नमस्ते, सत श्री अकाल और आदाब। कैसे हो आप सब? तो आज मैं आप सभी के लिए सिंपलेस्ट बॉम्बे सैंडविच, जो मेरा फेवरेट है, ऑलमोस्ट आप सभी का भी फेवरेट होगा, ट्रिपल लेयर वाला बॉम्बे सैंडविच कि किस तरह से बनता है बॉम्बे सैंडविच ट्रिपल लेयर वाला, और बहुत सिंपलेस्ट तरीके से मैंने आपको प्रेजेंट किया है। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको बनाना शुरू करते हैं अपने अपने घरों में बॉम्बे सैंडविच को। इस रेसिपी को पूरा लास्ट तक देखना, आपको भी मज़ा आएगा और जब आप इसको बना के टेस्ट करोगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो चेक इट आउट। तो चलिए फिर यहाँ बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक चटनी बनाते हैं, जो चटनी यूज़ की जाती है सैंडविच के अंदर। सबसे पहले हरा धनिया करीबन इतना देख लीजिए कितना चाहिए होगा, और दो हरी मिर्च, और करीबन 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, और इतना बड़ा अदरक, इन सब का बना लेना होगा एक पेस्ट। जी हाँ, पेस्ट बना के रेडी कर लीजिए। और यहाँ करीबन 2 बड़े चम्मच चाट मसाला डाल दीजिए इसमें, और इसका जो टेस्ट का जो लेवल है यहाँ से बहुत ऊपर बढ़ जाएगा। जी हाँ, इस चटनी का टेस्ट का लेवल है, एक बार टेस्ट करके ज़रूर दिखेगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी चटनी बना के। सिंपलेस्ट फटाफट इंस्टेंट हरी चटनी। तो यहाँ मैंने ब्राउन ब्रेड ली है, आप कोई सी भी ब्रेड ले सकते हैं, सैंडविच ब्रेड ले सकते हैं, एज़ योर चॉइस। और इसके ऊपर लगा देनी होगी जो अपनी हरी चटनी, मैंने इंस्टेंट हरी चटनी बना के रखी है, दोनों ब्रेड स्लाइसिस के ऊपर लगा देनी होगी फटाफट से। और यहाँ अनियन मुझे, मैं सही बताऊँ तो अनियन मुझे ज़्यादातर पसंद नहीं है अनियन मुझे खाना, और मैं इसके रिंग्स कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ। आप डायरेक्टली स्लाइसिस करके भी आप रख सकते हैं, एज़ योर चॉइस, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद यहाँ मैंने चीज़ स्लाइस ली है गो कंपनी की, गो चीज़ स्लाइस पेरी पेरी वाली, और ये एक्चुअली बहुत टेस्टी होती है पेरी पेरी वाली, एक बार ट्राई कीजिएगा। और यहाँ मैंने एक स्लाइस रखी है एक ब्रेड के, दूसरी स्लाइस रखी है दूसरी ब्रेड के ऊपर, और यहाँ खीरा जो हमने स्लाइसिस करके रखे थे वो भी इसमें रख देने होंगे इस तरीके से। उसके ऊपर एक और ब्रेड स्लाइस, मैंने ये बताया था आपको कि 3 लेयर वाली सैंडविच बनने वाला है। थोड़ी सी मेरी ना ब्रेड हल्की सी टूटी हुई थी, वो चटकी हुई थी कह सकते हैं, हल्का सा टूटी हुई ब्रेड थी, तो मैंने उसको सेंटर में लेके आ गया हूँ। इस तरीके से आपके पास कोई भी ऐसे जैसे टूटी हुई ब्रेड है तो उसको सेंटर में ले आइए, क्योंकि ये कवर हो जानी है। और बीच में लगाइए 2 टमाटो स्लाइसेस। जी हाँ, इसके जो सीड्स होते हैं ना वो मैंने निकाल दिए थे, और साइड में कुकुम्बर भी लगा सकते हैं स्लाइसिस के साथ ब्रेड स्लाइस के ऊपर, और एक एक चीज़ स्लाइस, और ओह एक्चुअली मज़ा आने वाला, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और ऊपर से मेरे को हल्का सा स्पाइसी और पसंद था, तो मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिया है और एक ब्रेड स्लाइस ऊपर से। ये बन गया हमारा बॉम्बे सैंडविच 3 लेयर सैंडविच। तो इसके ऊपर लगा देना होगा अपना मेल्टेड बटर, या मैंने अनसॉल्टेड मेल्टेड बटर है ये, इसको रूम टेम्परेचर पर रखिएगा, अपने आप ही नॉर्मल टेम्परेचर पे होते ही ये मेल्ट हो जाएगा हल्का सा, और इसको ब्रेड स्लाइस के ऊपर लगा लीजिएगा अच्छे तरीके से, जितना आपको पसंद है लगाना बटर। तो यहाँ मैंने एक नॉनस्टिक पैन लिया है, और इस नॉनस्टिक पैन पे अपनी ब्रेड को रख देना होगा, और ब्रेड को रखने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना होगा, अपनी फ्लेम को बिल्कुल लो, जी हाँ बिल्कुल धीमी आंच पे रखें जो इसकी गैस की फ्लेम है, और ऊपर से लगा दें बटर। जी हाँ, बटर को भी अच्छे तरीके से स्प्रेड कर दें और ऊपर से कर दें, अपनी पैन को कवर कर दें अच्छे तरीके से, जो एक 1 मिनट के लिए, ओनली 1 मिनट, 1 मिनट के लिए आपको एक तरफ से पकाना होगा। टाइम देख लीजिएगा, टाइम को देख के ही चलिएगा, 1 मिनट ओनली, 1 मिनट, और 1 मिनट में, 1 मिनट के बाद इसका कवर हटाइएगा, इसकी लिड हटाइएगा और फ्लिप कर दीजिएगा अपने सैंडविच को, फिर 1 मिनट दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से पका लेना होगा। तो इसी तरीके से अपनी दूसरी तरफ से भी हमारा सैंडविच
ट्रिपल लेयर सैंडविच, देखिए हल्का हल्का चीज़ थोड़ा सा आउटसाइड से निकलता हुआ दिख रहा होगा, थोड़ा 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 थोड़ा, ज़्यादा नहीं है, वन वन मिनट के लिए रखा है। और अपनी ब्रेड जो टोस्ट की हुई सैंडविच है वो निकाल लेना होगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाता है। इसी तरीके से अपने दूसरे सैंडविच को भी बना के रख लेना होगा। जी हाँ, इस तरीके से वन वन मिनट, एक एक मिनट के लिए दोनों तरफ से पकाएं अपने सैंडविच को, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाता ये सैंडविच। तो एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी ये रेसिपी। और ये देखिए ये नाइफ, बहुत ज़्यादा मेरा फेवरेट नाइफ है, मेरे पास स्पेशल किट्स हैं नाइफ्स के। और ये आप चाहते हैं कि लेना, मैं अमेज़ॉन लिंक डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जाते जाते मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाइएगा, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा जो आपके पास लेटेस्ट वीडियो मेरी पहुंच जाए। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।